सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन वेब स्टोरीज के बारे में। ऑल्दो वेब स्टोरीज से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पीछे आप लोगों के लिए बनाए हैं, बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ रिजल्ट्स जो कि वेब स्टोरीज से रिलेटेड हैं। इसमें कुछ हमारे अपने ब्लॉग्स भी हैं और कुछ हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स भी। मैं आप लोगों को लाइव स्टेटिस्टिक्स दिखाऊंगा गाइस, और ऑल्दो इससे ज़्यादा और भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम वेब स्टोरीज पे वर्क कर रहे हैं और एक प्रॉपर रिजल्ट लेके आ रहे हैं, बट कुछ अकाउंट्स मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा। उनके गूगल सर्च कंसोल के रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, एनालिटिक्स आप लोगों को दिखाऊंगा, और साथ ही में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगा जिसके जरिए आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए वेब स्टोरीज को यूज करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके पास डायरेक्ट लीड्स आए, तो आप उस ट्रिक का यूज करके डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पे लीड्स लेकर के आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप वेब स्टोरीज से ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पे या अपने क्लाइंट के अकाउंट पे या फिर अपने खुद के बिजनेस के अकाउंट में, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से कैश कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से वेब स्टोरीज को क्रिएट करें। वेब स्टोरीज को किस तरह से प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना है, किस तरह से उसका एसईओ करना है, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट किया है इन फॉर्म ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग वेबसाइट है हमारी जैसे कि infotalks.in, उसके ऊपर आपको वेब स्टोरीज से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में कंटेंट रीड करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है digitalmarketinghindi.in, और इन सब के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से वेब स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट इस पे देख सकते हैं। साथ ही में मेरे कुछ और भी वीडियोस हैं मैंने जो वेब स्टोरी से रिलेटेड बनाए थे, आप उनको भी ज़रूर देखें। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि हम ये रिजल्ट्स किस तरह से लेकर के आ रहे हैं, क्या ट्रिक्स हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स हम इस पे लगा रहे हैं गाइज, बट हम जो भी वेब स्टोरीज बना रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म कंटेंट के फॉर्मेट में बना रहे हैं, कोई भी हम शॉर्ट टर्म कंटेंट नहीं बना रहे हैं। बहुत से लोग वेब स्टोरीज बनाते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में उसको रैंक कराने के लिए, ट्रेंडिंग कंटेंट को रैंक कराने के लिए, जिससे वो एडसेंस से पैसे कमा सकें, बट हमारा ऑब्जेक्टिव वेब स्टोरीज बनाने का बिल्कुल डिफरेंट है। ज़्यादातर वेब स्टोरीज हम बना रहे हैं जिससे कि हम लीड्स लेके आ सकें अपने क्लाइंट्स के लिए। और गाइस, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हमने कुछ क्लाइंट्स के लिए वेब स्टोरीज के जरिए इतनी लीड्स एक्चुअली में कन्वर्ट कर दी जो कि वो एक्चुअली गूगल एड्स चला करके कन्वर्ट कर पाते थे, और वो भी बहुत बहुत कम कॉस्ट में। गूगल एड्स की कॉस्ट आप जानते ही हैं कितनी होती है, एटलीस्ट वो कम से कम 10 times पैसा खर्चा करते थे गूगल एड्स चला के, तब उनको उतनी लीड्स मिलती थी जो कि वेब स्टोरीज से ऑर्गेनिक तरीके से उनको मिलने लगी। तो ये पावर है वेब स्टोरीज की, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ वो सारे स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में हम शेयर करेंगे वो टेक्निक जिससे आप लीड्स डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लैंड कर सकते हैं अपनी वेब स्टोरीज के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी ब्लॉग वेबसाइट जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी, infotalks.in, जो कि हमारी पेरेंट मेन वेबसाइट है हमारी एजेंसी की, प्लस हमारा इंग्लिश ब्लॉग भी है, और साथ ही में digitalmarketinghindi.in जो कि हमारी हिंदी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट की वेबसाइट है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इनके गूगल सर्च कंसोल लाइव ओपन है। मैं इनको आपके लिए एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं, क्योंकि जो भी स्टैट्स मैं इसमें दिखाऊंगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी समय की है जिस समय मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं गाइज। इसके अलावा गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह का और भी काफ़ी पावर पैक कंटेंट हम आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, नए नई चीज़ों पर हम रिसर्च कर रहे हैं, नए नए टूल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से कोई भी चीज़ मिस करें। मैं चाहता हूं कि जैसे ही वो चीज़ लॉन्च हो तुरंत आप तक पहुंचे और तुरंत आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा कोई भी इस तरह की लॉन्च रिलीज या नई चीज़ जो हम लेके आ रहे हैं वो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वीडियो के फॉर्मेट में अपने चैनल पे पूरी तरह से डालने की कोशिश करता हूं एट द अर्लीस्ट, जैसे ही वो चीज़ें हम एक्चुअली अचीव कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी वेबसाइट infotalks.in, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं ये डिस्कवर में ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न है गाइस, इस पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं और इस तरह के बाकी काम होते हैं उसके अलावा इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपनी साइट पर उतना कंटेंट डाल पाएं। ऑल्दो इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट हमने पीछे डाला है,
बट आप देखेंगे अगर मैं डिस्कवर पे जाऊं तो जब हमने इस पे वेब स्टोरीज पोस्ट की हैं तब इसके ऊपर ये ठीक ठाक स्टैटिस्टिक्स गया, ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा हाई स्टैटिस्टिक्स जा सकता है, बट क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हम कंसिस्टेंसी से हम वेब स्टोरीज को डालते रहेंगे तो डेफिनेटली आप ये चीज अचीव कर पाएंगे। तो ये एक टिप लेके चलिएगा, कंसिस्टेंसी जैसे कि ब्लॉग्स के लिए जरूरी है वैसे ही गूगल वेब स्टोरीज के लिए भी कंसिस्टेंसी को देखता है, और जरूरी नहीं है कि आपकी हर वेब स्टोरी हिट हो जाए, हर वेब स्टोरी रैंक हो जाए, इसीलिए आपको मल्टीपल वेब स्टोरीज बनानी है। आप एक से दो वेब स्टोरीज डेली की बनाना शुरू करिए, अगर इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज्यादा वेब स्टोरीज आप दिन में बना पाए उतना अच्छा रहेगा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए और वेब स्टोरीज को रैंक करने के लिए। बट जो भी करिए कंसिस्टेंसी से करिए, ऐसा मत करिए कि आज बहुत ज्यादा बना रहे हो और एकदम से आप बहुत कम कर दें, तो कंसिस्टेंसी लेके चलिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। मैं आपसे कुछ और भी ऐसे अकाउंट शेयर करूंगा अभी अपने क्लाइंट्स के, जिन पे हम कंसिस्टेंटली स्टोरीज बना रहे हैं और वहां पे आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा। मैं सारे सिनेरियोज आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज का यकीन हो जाए, जो चीज मैं कह रहा हूँ उसका कंप्लीट आपको प्रूफ भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो गाइज ये थी हमारी वेब स्टोरीज इन्फोटॉक्स की। अब हम देखते हैं गाइज हमारा दूसरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग हिंदी, और इस पे आप देखेंगे तो ये दिख रहे हैं इसके सर्च रिजल्ट्स। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो आपको यहाँ ओवरव्यू दिखेगा और यहाँ भी आप देख रहे हैं डिस्कवर में जा चुका है, बट यहाँ के डिस्कवर में और यहाँ के डिस्कवर में दोनों में काफी अंतर है क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा कंटेंट डलता है एज कम्पेयर टू इन्फोटॉक्स। तो गाइज अगर हम डिस्कवर पे डायरेक्टली जाके देखें, क्योंकि हम बात करें सिर्फ वेब स्टोरीज की, तो ये हमारे 3 मंथ्स के स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर इसी स्टैटिस्टिक्स को बढ़ा करके मैं 12 मंथ्स या 16 मंथ्स कर देता हूँ, क्योंकि इससे पुरानी ये वेबसाइट नहीं है, तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक दिखेगा। 12,000 क्लिक्स आए हैं वेब स्टोरीज पे और 188K के इम्प्रेशंस हैं, जो मैक्सिमम जो हमारा टॉप इसके ऊपर जो हमारे क्लिक्स गए हैं या इम्प्रेशंस गए हैं वो गए हैं 17,134 और 1,225 क्लिक सिर्फ एक दिन में, 1,225 क्लिक एक दिन में गाइस गए हैं, और उसके बाद बीच में स्टोरीज डिसकंटिन्यू रही तो इसीलिए ऑब्वियसली ट्रैफिक नहीं आया, और फिर स्टोरीज जब भी डली हैं तो फिर से ट्रैफिक आया है। इस तरह से ये वेवी रहता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कंसिस्टेंट ट्रैफिक आपको वेब स्टोरीज पे मिल जाए। अब बात करते हैं हम एनालिटिक्स की, फटाफट हम वेब स्टोरीज का एनालिटिक्स देखते हैं। अगर आपने अपनी वेब स्टोरीज का एनालिटिक्स अकाउंट अलग से क्रिएट नहीं किया, एनालिटिक्स सेम रहेगा गूगल एनालिटिक्स, बट वेब स्टोरीज का जो आपका URL होता है उसके लिए आप एक सेपरेट एनालिटिक्स अकाउंट जरूर क्रिएट करिए, अदरवाइज आप ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ब्लॉग्स पे आ रहा है कि वेब स्टोरीज पे जा रहा है। तो हमने एनालिटिक्स में सेपरेटली वेब स्टोरीज के लिए एसेट्स क्रिएट की हैं और आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं वेब स्टोरीज के लिए आप एसेट क्रिएट करें, जैसे नॉर्मली आपने अपने वेबसाइट का URL दिया था उसी तरह से वेब स्टोरीज के लिए जब आप एसेट क्रिएट करेंगे तो URL में आप ऐड कर देंगे web-stories, जो कि एक्चुअली में वेब स्टोरीज का एक आर्काइव है डिफॉल्ट, जो कि आपको वर्डप्रेस का जो प्लगइन है गूगल का वो प्रोवाइड करता है। आप इसको एक बार रन करके भी देखें, आपका डोमेन उसके बाद /web-stories तो ऑटोमेटिकली आर्काइव ओपन हो जाएगा और उसी के जरिए आप ये एनालिटिक्स क्रिएट करेंगे। बाकी एनालिटिक्स कैसे क्रिएट करना है ये आप अच्छे से जानते हैं, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं लास्ट 7 डेज का देखूँ तो 38 यूजर्स हैं, लास्ट 90 डेज का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसके अंदर और बेटर है और ज्यादा यूजर्स हैं, और गाइज अगर हम इसके अंदर लास्ट 180 डेज का स्टैटिस्टिक देखें तो हमें कुछ और देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं और मैंने आप लोगों को बताया कि हम उतना कंसिस्टेंटली स्टोरीज इन पे नहीं डाल रहे हैं। अगर इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इन्फोटॉक्स का दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट 7 डेज 30 डेज में 97 है, और उसके अलावा हम अगर और थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए देखें तो आपको जो स्टैटिस्टिक्स हैं और ज़्यादा मिलेंगे। आप देख रहे हैं ये टोटल स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ लास्ट 5 मिनट्स में कोई ना कोई एक्टिव भी था। तो गाइस अब चलते हैं मेरे बिजनेस अकाउंट्स में, आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ जहाँ पे आपको कुछ लाइव एक्टिव यूजर्स भी मिलेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला वैसे ही यहाँ पे एक लाइव एक्टिव यूजर इस स्टोरी पे आ गया और ये लेटेस्ट स्टेटस है जो कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे एक और क्लाइंट का, एक क्लाइंट का एनालिटिक्स अकाउंट, और यहाँ देख पा रहे हैं हम सीधा चलते हैं डिस्कवर में और ये भी डिस्कवर में है, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरीज जब से डल रही हैं कंसिस्टेंटली ट्रैफिक आ रहा है, और यहाँ आप देखेंगे एक दिन में 1741 क्लिक्स हुए हैं, 29,841 का इम्प्रेशन गया है सिर्फ एक दिन में, और ये लास्ट 3 मंथ्स का है।
तो इसको हम 6 मंथ्स का चेंज करके देखते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स आता है। तो गाइस 6 मंथ्स का स्टैटिस्टिक्स है, 98K इंप्रेशंस हैं और 7000 से ऊपर क्लिक्स हैं। तो ये वेब स्टोरीज का स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि इस पे जल्दी ही वेब स्टोरीज बननी स्टार्ट हुई हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में ये वेवी सा पैटर्न जा रहा है जिसमें वेब स्टोरीज पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। इसी तरह से एक और अकाउंट मैं आपको दिखाऊंगा और गाइज इस अकाउंट में भी ये डिस्कवर में है, आप यहाँ पे देख रहे हैं और हम क्लिक करते हैं डिस्कवर पे। यहाँ पे भी एक वेवी सा पैटर्न है, इसमें भी बहुत कंसिस्टेंटली स्टोरीज नहीं बन रही थी, बीच में बनी थी फिर बंद हो गई थी, फिर अब आप देख रहे हैं लास्ट में यहाँ पे स्टोरीज बन रही हैं। और अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो इस तरह का कुछ आपके पास ठीक ठाक ट्रैफिक आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट 6 मंथ में 75,000 इंप्रेशंस आए हैं और 6,000 क्लिक्स गए हैं। तो गाइज एक बिजनेस के लिए इतने क्लिक्स और इतने इंप्रेशंस बहुत होते हैं अच्छी खासी लीड जनरेशन करने के लिए। अब गाइज एक अकाउंट और देखते हैं क्विकली, उसका गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी के दोनों अकाउंट। और गाइज इसी अकाउंट में लगभग हम लोगों ने अच्छा खासा लीड जनरेशन किया है, जो ट्रिक मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बताऊंगा। तो गाइज यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ठीक ठाक सी इंप्रेशंस गए हैं, ठीक ठाक क्लिक्स जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। अगर मैं इसको लास्ट 6 मंथ्स पे चेंज कर दूँ तो आपको टोटल एक आइडिया मिलेगा, 12,000 क्लिक्स गए हैं, 265K इंप्रेशंस गए हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट पे। और एक दिन में जो हाईएस्ट जो आपके क्लिक्स गए हैं वो गए हैं 1020, इनफैक्ट गाइज इससे ज़्यादा गए हैं यहाँ पे 1020 क्लिक्स गए हैं और इंप्रेशंस गए हैं 12,333। और अभी भी आप देख रहे हैं ये कंटिन्यू है, लेटेस्ट आप जो डेट देख रहे हैं जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन, उस समय पे। अब इसी अकाउंट का गाइज एनालिटिक्स देखते हैं और देखते हैं एनालिटिक्स पे क्या स्टेटस है। तो गाइज ये इसी अकाउंट का एनालिटिक्स है और एनालिटिक्स में वेब स्टोरीज यहाँ पे दिख रही हैं और आप देख रहे हैं ये सिर्फ लास्ट 7 डेज में 2000 से ऊपर यूजर्स आए हैं। अभी भी इसके अंदर एक यूजर लाइव है और ये इसका स्टेटस है। अगर हम इसको 7 डेज से चेंज करके कुछ और आगे कर दें, इस पर मैं लेके चलता हूँ गाइज इसको 180 डेज पे, क्योंकि 180 डेज से ये स्टोरीज इस पर क्रिएट हो रही हैं, ये सारे फ्रेश अकाउंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये स्टैटिस्टिक्स जा रहा है, 13,000 यूजर्स स्टोरीज से सिर्फ आए हैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट की वेबसाइट पे और क्लिक्स बहुत सारे गए हैं। क्लिक्स को कैसे मॉनिटर करना है उसके लिए अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक मींस एक सॉल्यूशन है जो हमने डिवाइस किया है और डेफिनेटली ये आपके लिए काफी काम का साबित होगा। तो गाइज इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली, उसके लिए मैं आप लोग लेके आया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ पहले वो क्या स्ट्रेटजी है जिसके जरिए हमने क्लाइंट्स के लिए लीड्स जनरेट की हैं, जो कि बेसिकली उसके एड चलाने के बराबर की लीड्स हमने जनरेट की हैं और जो उसकी कॉस्ट आई है वो कम से कम 10 times कॉस्ट उसको स्पेंड करनी पड़ती थी गूगल एड्स चला करके उतनी लीड्स लाने में। तो गाइस सिंपल सा उसका तरीका है, आप जो स्टोरी बनाएंगे उस स्टोरी के अंदर आप देंगे एक व्हाट्सएप का लिंक कॉल टू एक्शन में। जैसे कि चलते हैं हम अपने स्टोरीज के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। और ये व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनाएंगे ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। खाली लिंक ही नहीं बना पाएंगे, आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया, कहाँ कहाँ से लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया। तो फॉर एग्जांपल गाइस ये एक स्टोरी है, मैं एक पुरानी स्टोरी को ओपन कर ले रहा हूँ, ऑल्दो मैं एडिट नहीं करूँगा बट आप लोगों को बताऊँगा खाली, क्योंकि मेरी एक लाइव स्टोरी है, तो जिससे कि आप थोड़ा सा और डिटेल में उस चीज़ को समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस ये टूल है हमारा इटली का URL शॉर्टनर का, ऑल्दो ये टूल है बट इसके अंदर हमने एक और फैसिलिटी आप लोगों के लिए ऐड की है, वो है व्हाट्सएप लिंक बनाने की। तो यहाँ आप एक WhatsApp लिंक बना सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, वो भी फ्री में। आप सिर्फ क्लिक करेंगे इन दोनों चेकबॉक्स पे और से फॉर एग्जांपल मैंने अपना नंबर ऐड करा और मैंने मैसेज डाला और मैं चाहूँ तो एक कस्टम स्लग भी बना सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो इसको मैं ना भी करूँ, तो जो मेरा शॉर्ट लिंक बनेगा वो कस्टम लिंक बनेगा, राइट। तो यहाँ से गाइस हम इसको सेव कर देंगे, तो ये मेरा गाइस एक यहाँ पे पूरा आ गया, आप देख रहे हैं यही व्हाट्सएप का लिंक होता है। अगर आप लोग जानते होंगे और पहले कभी आपने व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट किया होगा तो इसी तरह का व्हाट्सएप का लिंक होता है।
और मैं शॉर्टन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा शॉर्टन लिंक बन गया जो कि एक कस्टम यूआरएल के साथ बन गया इस तरह से। तो गाइज ये लिंक बन गया जिसके अंदर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये व्हाट्सएप का लिंक है। अगर आप उसको क्लिक करके ओपन करेंगे जैसा कि मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ तो ये वेब व्हाट्सएप में ओपन होगा अगर आप ब्राउजर में है, और अगर कोई भी इसको मोबाइल डिवाइस से ओपन करेगा तो वो सीधा उसके इंस्टॉल्ड व्हाट्सएप में ओपन हो जाएगा। और जो मैसेज हमने यहाँ पे दिया था, कस्टम मैसेज जो हमने यहाँ दिया था, वो मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा उसके टेक्स्ट एरिया में, बस उसको सेंड पे क्लिक करना है। और इस तरह से ज़्यादातर लोग करते हैं, और ऑब्वियसली जिसको आपकी उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है या उसकी और जानकारी लेनी है डेफिनेटली वो इसको आपको कॉन्टैक्ट करेगा और उससे आपके व्हाट्सएप पे उसका नंबर आ जाएगा। और उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको कॉल करके या व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जो लीड आपके पास आई है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह वेब डॉट व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अभी मेरा इसमें वेब डॉट व्हाट्सएप ओपन नहीं है तो ये इस तरह से आपको मैसेज दिखा रहा है। अब गाइज ये है हमारा स्टोरीज का इंटरफेस, यहाँ मैंने एक स्टोरी क्रिएट की थी और इस स्टोरी में आप देख रहे हैं यहाँ पे लर्न मोर का ये कॉल टू एक्शन है। ज़्यादातर कॉल टू एक्शन के अंदर हम किसी ब्लॉग का लिंक, कोई लैंडिंग पेज का लिंक देते हैं, बट यहाँ आप दे सकते हैं व्हाट्सएप का ये लिंक भी। जैसे इस स्लाइड को गाइज मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें ये लिंक ऐड करना है। तो गाइज आप ये देख रहे हैं ये कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिंक है। सिंपल है गाइज, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला लिंक यहाँ से जो हमने शॉर्टन लिंक बनाया है इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि शॉर्टन लिंक हम क्यों बना रहे हैं, क्यों ना हम ये जो लिंक यहाँ से बना है बिना शॉर्टन किए इसी को यूज कर लें। वो आपकी इच्छा है, बट शॉर्टन लिंक बनाने का एक बेनिफिट होगा जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ प्रीवियस लिंक्स पे जाएंगे आपको दिखेगा यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे एक क्लिक, ये आपको दिख रहा है नंबर, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने इस व्हाट्सएप पे क्लिक किया। जैसे मैंने अभी इसको बनाया है तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे प्लेस लिख करके आ रहा है, और मान लीजिए इस व्हाट्सएप लिंक को मैं एक्चुअली में ओपन कर लेता हूँ एक दूसरी विंडो में इस लिंक को डायरेक्टली यहाँ से, तो अब आप देखेंगे कि ये जो काउंट है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज ये देखिए ये काउंट इंक्रीज हो गया और ये हमारा लोकेशन यहाँ का बता रहा है, उसका काउंट भी बता रहा है। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा यहाँ से शॉर्टन लिंक बनाने का, और स्टैटिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ट्रैफिक तो बहुत आया मेरी स्टोरीज पे जो कि मेरे को मिल गया एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल के जरिए कि कितना ट्रैफिक आया था, बट कितने लोगों ने लिंक्स पे क्लिक किया ये मुझे पता नहीं चल पाया। ऑल्दो लोग जब आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट ना करें, है ना। तो आपको ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि आपका कंटेंट लोगों को कितना पसंद आया, कितना नहीं पसंद आया, कितने लोगों ने क्लिक किया, किस वेब स्टोरी पे क्लिक किया, किस में नहीं क्लिक किया, तो उससे आप ये मेकआउट कर पाएंगे कि कौन सी वेब स्टोरी आपकी ज़्यादा चल रही है। तो उसी तरह का कंटेंट मतलब आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है और वैसा ही कंटेंट आप क्रिएट करेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी वेब स्टोरीज पे एक लीड जनरेशन का मैकेनिज्म बना सकते हैं, और जो आपके बिजनेस है या जिन बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वेब स्टोरीज अभी एक बहुत नया कंसेप्ट है, तो डेफिनेटली अभी ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि ब्लॉगिंग था जिस समय पे ब्लॉगिंग लॉन्च हुआ था, बट आज की डेट में ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, बट वेब स्टोरीज पर अभी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप ठीक ठाक लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक ठाक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेकर के आ सकते हैं। तो गाइज ये थी वेब स्टोरीज, और आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाए, अलग अलग मैंने आपको अकाउंट्स दिखाए जिनमें वेब स्टोरीज डिस्कवर में सब में गई हुई हैं, बट जहां हम कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं वहां हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है, और इतना ही नहीं आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं और लीड जनरेशन का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर इसी तरह के वीडियोस आप और चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और बहुत सारे धमाकेदार टूल्स और इस तरह के वीडियोस और स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों से आने वाले वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।